हाय दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज आपके सामने मैं लाया हूँ जॉन डियर 5310। इसका क्लच प्लेट ख़राब हो चुका है, आप देख सकते हैं। गाड़ी को हम खोल रहे हैं, अभी क्या क्या चीज़ इसमें खोलना पड़ता है आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। देखिए दोस्तों, इसमें 6 बोल्ट से जो बॉडी है वो टाइट रहता है। हम 6 बोल्ट खोलेंगे, ये जो आप देख सकते हैं इसको खोलेंगे, प्लेट जो इसका बोनट है इसको उतारेंगे, पाइप लाइन है थोड़ा पाइप लाइन को खोलेंगे। अब देख सकते हैं इस पर जो डोजर का है जो पाइप है, ये पाइप को भी निकालेंगे, उनको पूरा वीडियो दिखाएंगे आज। इसका जो ये सेक्शन पाइप है इसको भी खोलेंगे, जो देख रहे हैं आप क्लेम इसको भी खोलेंगे। खोलने के बाद आपको गाड़ी अलग करके दिखाएंगे जी क्लच प्लेट में क्या खराबी आया है इसका। पहले इसका जो बुनट है उसको उतार लेते हैं हम। देख सकते दोस्त, इसका डोजर का जो पट्टी है इसको बोल्ट खोल रहे हैं। डीजल पाइप मैंने निकाल लिए हैं, एक फिलेटर खोल लेंगे। दोस्तों यहाँ पे 13 नंबर बोल्ट लगा रहते हैं, यहाँ पे 14 नंबर बोल्ट दोनों निकाल लिए हैं, पट्टी को बाहर निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों, जो स्टीयरिंग पाइप है इसको भी खोल लेंगे, अब देख सकते हैं। मैंने पाइप को निकाल दिए हैं, ये साइड मैंने पूरा खोल के कंप्लीट कर लिए हैं, वो साइड जाके देखिए दोस्तों, जो डोजर का जो पाइप है इसको भी निकाल लेंगे। इसको भी खोल लेंगे। देखिए इसका पाइप, देखिए दोस्तों एक डोजर का जो पाइप है सामने ब्लेड का, इसको मैंने खोल दिए हैं, देख सकते हैं। देखिए दोस्तों स्टीयरिंग दूसरा पाइप, दो पाइप खोलना ही पड़ता है आपको। देखिए दोस्तों 24 नंबर स्टीयरिंग का पाइप है, स्टीयरिंग में सप्लाई देता है ये वाला। देखिए दोस्तों 36 नंबर पाना से ये वाला बोल्ट है हाइड्रोलिक का, हाइड्रोलिक में सप्लाई देता है ये वाला पंप में, इसको भी निकालना है। देखिए मैंने पूरा गाड़ी खोल लिया है, जेक भी लगा लिया है 2 ठो, अभी इसको बाहर निकालेंगे। यही जगह देखा, चलो देखिए दोस्तों, ये गाड़ी को मैंने अलग कर लिए हैं। रुको रुको, रुक जाओ। देखिए दोस्तों इसका रिलीज करेंगे।
इसका पिटो शाफ्ट का पिटो शाफ्ट है। ये देख सकते हैं इसका प्लस का जो होल्डिंग है, इसको बाहर निकालेंगे। देखिए दोस्तों, हाउसिंग का बोल्ट हम निकाल रहे हैं, 13 नंबर बोल्ट है, 6 देखिए दोस्तों, पीटीओ शॉप का क्लास प्लेट है, पीटीओ का शॉप है। देखिए दोस्तों, हालांकि इसमें दो क्लास प्लेट रहता है, एक पीटीओ का काम करता है और एक इंजन का काम करता है, गियर का। एक पीटीओ का प्रेशर प्लेट है और गियर बॉक्स का प्रेशर प्लेट नीचे है इसका, दो क्लास प्लेट है इसमें। ये प्रेशर प्लेट है पीटीओ शॉप का, पीटीओ क्लास का प्रेशर प्लेट है। ये पीटीओ का फिंगर, अब देख सकते हैं ये जो रिंग है, डायग्राम स्प्रिंग बोलते हैं इसको हम, ये स्प्रिंग को निकालेंगे तो क्लास प्लेट बाहर आ जाएगा। देखिए डायग्राम स्प्रिंग का जो पट्टी है, पट्टी को निकालेंगे पिस्टन की मदद से, लगाते टाइम पुलर से इसको डालेंगे। देख सकते हैं कितना आसानी से निकल रहा है। देखिए डायग्राम स्प्रिंग, ये देख सकते हैं मेन क्लास प्लेट का प्रेशर प्लेट है, एक क्लास प्लेट, इसका क्लास हाउसिंग, अब देख सकते हैं। इसका मेन फिंगर, अरे बड़ा जो फिंगर है, ये पीटीओ का फिंगर है। इसका रिलीज बेयरिंग निकालेंगे, कि पहले जो क्लच प्लेट का राड है इसको निकाल लेंगे पिन को। देखिए दोस्तों, ये रिलीज बेयरिंग का कॉलर है, रिलीज बेयरिंग है, अभी जो नया मॉडल है उसका रिलीज बेयरिंग इससे छोटा कर दिया है। देखिए ये जो क्लास एक फर्क है, इसमें क्या रिलीज बेयरिंग सेट रहता है आप देख सकते हैं, फर्क भी खराब हो चुका है, लेकिन जो ऑनर अगर बोलेगा तो बदलने से तो बदलूंगा, इसको सेट कर दूंगा। ये पीटीओ क्लास का बेयरिंग है देख सकते हैं, ये भी खराब हो चुका है पूरी तरीके से। देखिए जो फ्रेबिल का जो बेयरिंग है ये खराब हो चुका है, उसके लिए मेरे को फ्रेबिल बैरिंग चेंज करने के लिए फ्रेबिल को नीचे उतारना पड़ेगा, नीचे उतर के उसको चेंज करेंगे। देखिए फ्रेबिल बैरिंग जो है खराब हो चुका है, फ्रेबिल मैंने उतार लिया है नीचे, अभी बैरिंग को निकालूंगा। फ्रेबिल का बैरिंग जो है खराब हो चुका है, अभी सारा सामान नया लाएंगे, उसके बाद आपको फिटिंग करके गाड़ी चालू करके दिखाएंगे क्लास में किस तरीके से काम करता है। देखिए दोस्तों, हालांकि मैंने पूरे सामान लाए हैं सामान को, ये देख सकते हैं इसके क्लास प्लेट, क्लास प्लेट का पार्ट नंबर SJ29351 देख सकते, 3706 रुपये। ये देख सकते हैं इसके क्लास प्लेट, डबल पैकिंग रहता है क्लास प्लेट में, देख सकते हैं ऐसी इसके क्लास प्लेट है, आप देख सकते हैं किस तरीके से क्लास प्लेट रहता है, लुक कंपनी का आता है क्लास प्लेट। इसका फ्रेबिल का बेयरिंग आप देख सकते हैं JD9449 168 रुपये MRP है इसका, आप देख सकते हैं इसका बेयरिंग है, रिलीज बेयरिंग आप देख सकते हैं इसका रेट 412 रुपये, पार्ट नंबर है RE173315 पार्ट नंबर।
यह है इसका रिलीज बेयरिंग। देखिए दोस्तों, ये रिलीज बेयरिंग का क्लास फॉर्क है। इसका जो पार्ट नंबर है आप देख सकते हैं, SU24160। इसका रेट है 658 रुपये। ये कुछ इस तरीके से रहता है इसका रिलीज बेयरिंग। इसी में चेक करेंगे, हम देख सकते हैं इसका क्लास फॉर्क। यह है गिरीश जॉनडियर कंपनी का, आप देख सकते हैं। अभी सारा सामान हम गाड़ी में सेट करेंगे। पहले इसका जो है जो फ्लाईव्हील हम सेट कर लेंगे गाड़ी में। इसका जो बेयरिंग है ये देख सकते हैं आप, ये हो गया सेटिंग। अभी क्लच प्लेट को हाउसिंग में फिट कर लेंगे। देखिए दोस्तों, ये जो पट्टी देख रहे हैं आप, पट्टी से मैंने जुगाड़ से एक क्लच प्लेट सेट करने के लिए इसको बनाए हैं। देख सकते हैं पाना टाइप का, अंदर में एक होल भी रखे हैं। ये होल की मदद से जो ये बोल्ट है इसकी मदद से हम क्लच प्लेट को सेट करेंगे। देखिए दोस्तों इसका क्लच प्लेट, ये जो मुंह है ये क्या है, मेरे को गियर बॉक्स की तरफ रख के सेट करना है इस पोजीशन में। इधर करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, इस पोजीशन में मेरे को सेट करना है। ये जो इसमें एक छोटा मुंह है और एक बड़ा, ये जो बड़ा मुंह है ये क्या फिंगर की तरफ रख के हमको सेटिंग करना है। इसका प्रेशर प्लेट, देखिए प्रेशर प्लेट के बाद ये जो डायग्राम स्प्रिंग है इसको हम सेट करेंगे। अभी ये जो पट्टी है ये पट्टी को ऊपर रख के और दो ठो स्टैंड डाल देंगे यहाँ। ये मैंने सेट कर लिए, पुलर टाइप का बना लिए हैं जुगाड़ू सिस्टम का। इसको हम अभी नट बोल्ट को कस देंगे तो ये जो डायग्राम स्प्रिंग है पूरा बैठ जाएगा और मेरे को ये जो पट्टी है लगाने के लिए आसान है। देख सकते हैं, देखिए बैठ गया है। देखिए मैंने पूरा क्लच प्लेट को सेट करके बैठा लिए हैं। अभी जो बोल्ट है इसको ढीला करके निकाल देंगे पुलर को। देखिए दोस्तों, ये जो फिंगर है ये क्लच फिंगर है, आप देख सकते हैं छोटा छोटा जो फिंगर है क्लच फिंगर है। इसको एक इंची तो हल्का ऊपर रख के सेटिंग करना है। आप देख सकते हैं ये जो गेज है, किसी के पास गेज नहीं होगा तो गेज ले लेना आप। हल्का सेटिंग करके सेटिंग करना है तो
आपका जो क्लच है वो सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों मैंने पूरा सेटिंग कर लिए हैं। ये जो फिंगर है एक आई पीटीओ फिंगर है, इसको हम सेटिंग नहीं करेंगे, इसको हम सेटिंग नहीं करेंगे। इसका क्या है जो जो रिलीज बेरिंग वो मिल नहीं रहा है इसके कारण इसको हम सेटिंग नहीं करेंगे, ऐसे ही सेट फिटिंग कर देंगे तो हो जाएगा। ये पीटीओ का जो प्रेशर प्लेट है, प्रेशर प्लेट मैंने बैठा दिए हैं, ये जो 14 नंबर बोल्ट है ये पीटीओ फिंगर में लगा लेंगे कुछ इस तरीके से। अभी मैं गाड़ी में सेटिंग कर दूंगा सामान, वो गाड़ी स्टार्ट करके आपको दिखा देंगे ये किस तरीके से क्लच में काम कर रहा है। पहले हम जो रिलीज बेरिंग है, रिलीज बेरिंग भी गाड़ी में डाल लें, सेटिंग कर लेंगे। देखिए दोस्तों ये जो है क्लच फर्क है, दो फर्क है इसमें, इसका बेरिंग नहीं लगाएंगे, इसका बेरिंग क्या मार्केट में मिल नहीं रहा है, ऐसे सेट कर देंगे। अभी इसका बेरिंग लगाएंगे ऊपर में, जो मेन क्लच है मेन क्लच का बेरिंग डालेंगे। दोस्तों इसका रिलीज बेरिंग 6009 का ये बेरिंग है, ये बेरिंग को हम सेट करेंगे। फर्क में देख सकते हैं, देखिए रिलीज बेरिंग मैंने सेट कर लिए हैं। इसके ऊपर ये जो कॉलर है रिलीज बेरिंग के कॉलर लगा लेंगे। दोस्तों कॉलर मैंने बैठा लिए हैं। अभी जो अंदर में आप देख सकते हैं, अंदर में इसको पूरा ग्रीस लगा लिए हैं हम, ग्रीस लगा। अभी इसको सेट करेंगे। ये देखिए चार गुट का ये क्या है क्लच फर्क में लगा रहता है, इसको हम डालेंगे। इसको इसके साथ सेट करेंगे। देख सकते हैं दोस्तों ये सेट हो गया है, इस तरीके से काम करता है क्लच दबाने से। देखिए दोस्तों मैंने फ्लाईव्हील बैठा दिए हैं, अभी इसका जो बोल्ट है इसको कस रहे हैं, टाइट कर देंगे इसको बोल्ट को। देखिए ये क्लच प्लेट है, ये पीटीओ क्लच मैंने सेट कर लिए हैं। अभी जो इसका मेन क्लच है मेन फिंगर है, इसको सेटिंग करके टाइट करके गाड़ी फिट कर देंगे। देखिए दोस्तों इसको हम टाइट कर रहे हैं अभी। ये बोल्ट है इसमें, देखिए दोस्तों फिटिंग हो चुका है। फिटिंग करने के टाइम ये जो आपका पीटीओ क्लच है इसको फ्री रहना चाहिए हर टाइम, अब देख सकते हैं। अभी गाड़ी को हम आपस में जोड़ देंगे। देखिए दोस्तों ये गाड़ी आपस में हम जोड़ रहे हैं गाड़ी को, देख सकते हैं आप। देखिए मैंने पूरा गाड़ी को फिटिंग कर लिए हैं, अभी पूरे नट बोल्ट को टाइट करके आपको स्टार्ट करके चला के दिखाएंगे जी गाड़ी में किस तरीके से क्लच में काम कर रहा है। इसको भी ये जो बोल्ट है इसको भी सेट कर लेंगे। देखिए इसको हम सेट कर रहे हैं।
देखिए दोस्तों, मैंने क्लच सेट कर ली है, देख सकते हैं किस तरीके से काम करता है क्लच। अभी गाड़ी को चला के दिखाएंगे। देखिए जो पूरा पाइप है, पाइप को हम अच्छी तरीके से कस लेंगे। ये जो पाइप देख रहे हैं आइल पम्प, इसको भी लगा लेंगे। इसको पूरा फिटिंग करके आपको सेट करके दिखाएंगे गाड़ी। इस प्रकार से आप क्लच प्लेट गाड़ी में लगा सकते हो। देख सकते हैं किस तरीके से गाड़ी में मैंने क्लच को सही कर दिए हैं। तिरपन दस जोंडिया 53 है, आप देख सकते हैं क्लच प्लेट मैंने इसके लगा के सही कर लिए है गाड़ी को।